बगहा के हसनापुर गांव में दहेज के लालच में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां दहेज लोभी पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आरोपी शादी के बाद दहेज के लिए हर दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करता था और आक्रोश में आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी की गिरफ्तारी कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना के बाद से मृतका के घर में मातम पसरा हुआ है। बिहार के गया जिले से एक अमानवीय घटना सामने आई है, जहां एक लड़के को ऊंची जाति की लड़की से विवाह करने की बेहद घिनौनी सजा मिली। दरअसल वजीरगंज प्रखंड क्षेत्र के मुखिया ने उसे कमरे में बंद कर खूब पीटा, फिर सबके सामने उसे थूक चाटने के लिए मजबूर कर दिया। लड़के पर आरोप लगाया गया कि वह गांव के एक लड़की को शादी की नीयत से भगा कर ले गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ये कल एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बहुत ही अपमानजनक घटना इसमें दिखाई गई थी कि एक लड़के को थूक चटवाई जा रही थी वीडियो में कुछ लोगों के द्वारा एक कमरे के अंदर। मामला आया कि जो लड़का था, जो नाम नहीं बताएंगे, कि जो लड़का था वो एक लड़की को लेकर भागा था। उसके बाद वो 3-4 दिन बाद जब वो वापस आ गया तो पंचायती कराने के लिए लोग उसको मुखिया के यहाँ लेके गए, जो वीडियो में भी आ रहा है, और वहीं पे जाके उसकी पंचायती के फैसले में ये सब ये जो कुकृत्य था वो किया। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र स्थित पत्थरकट्टा चौक के पास एक जंगल में संदेहास्पद स्थिति में एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिसे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। आपको बता दें कि एक सप्ताह के भीतर इसी जगह ये दूसरा शव बरामद होने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो बोकारो की ये घटना आप देख रहे हैं, जहां पर एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी लाश बरामद की गई है और झाड़ियों में अज्ञात महिला का जो शव है वो बरामद किया गया है, जिसके बाद से इलाके के लोगों में दहशत का जो माहौल है वो देखा गया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो महिला का शव बरामद किया गया, हालांकि उसकी जो पहचान है लगातार की जा रही है। मौके पर एम्बुलेंस और तमाम जो प्रशासनिक